Hey people, welcome or welcome back to my channel. My name is Chaya Chauhan and I am a cabin crew. So as you all know that I am in Trichy and I haven't explored that much. So I thought ki aaj jaake Trichy ki koi bahut hi famous jagah jaate hain and a famous temple basically. So चलते हैं और मैंने सोचा कि ये ब्लॉग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं. तो फिलहाल तो मैं रेडी हो गई हूँ, आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है आज. तो मैंने पहनी है ये कुर्ती, जीन्स एंड सैंडल और बाल अभी खुले रखे हैं. अगर वहाँ पे मुझे गर्मी लगेगी तो मैंने रबर बैंड रख लिया है. सो या दिस इज इट, आई गॉट रेडी. अभी मैं करूँगी कैब और फिर हम चलेंगे जहाँ हम जा रहे हैं, फेमस टेम्पल. चलो चलते हैं. यस, ये देखो त्रिची का वेदर. इस टाइम पे पूरे बादल बादल हो रखे हैं. ओ क्रॉस फिंगर्स बारिश ना हो और हम आराम से घूम पाए. देख रहे हो. एक बात बताओ, ये जैसे मुझे लगता है कि मतलब यहाँ पे बादल कुछ ज़्यादा पास में नहीं रहते, आपको भी नहीं लगता देख के? ऐसे ये बादल और ये पेड़ इतनी पास में. सीरियसली मेरी कैब आ गई है, अब हम चलते हैं. सो लेट्स गो. चलो चले भाई अब फटाफट. आई एम वेरी एक्साइटेड. चलो भाई, तेज हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा वेदर हो गया, वेरी गुड वेदर. बस बोला ना कि बारिश ना हो, तो बारिश नहीं होती, सब कुछ बहुत अच्छा है. कैब कहाँ गई मेरी? वो रही मेरी कैब. तक देख लिया होगा वीडियो में, समझ गए होंगे हम आए हैं श्रीरंगम टेम्पल और ये बहुत सुंदर है. मैं दिखाती हूँ आपको. आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं थोड़ा बहुत आपको रंगनाथम स्वामी के बारे में बताती हूँ. रंगनाथम स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये टेम्पल रंगनाथा को डेडिकेट है, जो लॉर्ड विष्णु का रिक्लाइनिंग फॉर्म है और ये हिंदुइज्म का सबसे इंपॉर्टेंट और सेक्रेट टेम्पल्स में से एक है. श्री रंगनाथम स्वामी टेम्पल अपनी ग्रैंड ड्रविडियन आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, जिसमें बहुत बड़े गेटवे टावर्स हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मंडपम. बहुत सारे ब्यूटीफुल मंडपम्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे. ये टेम्पल पहली सदी में बना था लेकिन टाइम के साथ इसमें कई एक्सपेंशन और रेनोवेशंस हुए हैं जो इसे एक आर्किटेक्चुरल मास्टरपीस बनाते हैं. अगर मैं बात करूँ टेम्पल कॉम्प्लेक्स की, तो ये फैला हुआ है 156 एकर्स में और इसमें 7 गेटवे टावर हैं और टेम्पल का मेन डाइटी लॉर्ड रंगनाथम स्वामी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जो कि आदिशेष पर शयन करते हुए दिखते हैं और उनकी वाइफ गॉडेस लक्ष्मी उनके साथ होती हैं. अगर मैं इस टेम्पल की खास बात बताऊं, तो यह टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं है बल्कि तमिल कल्चर, लिटरेचर और डिवोशन का भी एक मेजर सेंटर है. यहाँ पर हर साल वैकुंठ एकादशी जैसे बड़े फेस्टिवल्स भी होते हैं, जिसमें दुनिया भर से हज़ारों डिवोटीज़ आते हैं
तो आज इस वीडियो में हम इस मैग्निफिसेंट टेंपल की ब्यूटी और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप कभी यहाँ आएँ तो यह प्लेस आपको एक स्पिरिचुअल पीसफुल एक्सपीरियंस देगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जाके, और जब मैं ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके एडिट कर रही हूँ, आई एम रियली फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड कि मैं इस जगह गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पर दो ऑप्शंस थे, अगर मैं चाहती तो मैं 500 रुपये या 100 रुपये दे के जल्दी दर्शन करके भी वापस आ सकती थी, लेकिन मेरा जो मन था कि मुझे जानना था, तमिल कल्चर एक्सप्लोर करना था, तो मैं आराम से लाइन में लगी रही, बैठी, मैंने लोगों से बातें की और फिर उसके बाद मैं दर्शन करके वापस आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। 1.5-2 घंटे बाद मुझे विष्णु जी के दर्शन हुए और सच में बहुत सुकून लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जब कभी आपको भी समय मिले रंगनाथ स्वामी जी का दर्शन करने का तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आओ। और यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि अब मैं वहाँ से वापस आ रही थी और रात भी बहुत हो गई थी। तो ये आपको एक एक्चुअल भगवान की जो मूर्ति थी वहाँ पे तो फ़ोटोज़ वगैरह लेना अलाउड नहीं था तो नहीं ले पाई, लेकिन अभी जो आपको एक फ़ोटो दिखी थी ऐसे ही आपको बहुत बड़े से रंगनाथम स्वामी जी आदिशेष पे लेटे हुए दिखेंगे जो कि बहुत सुकून देता है। और जैसे ही मैं बाहर आई, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी लाइक मार्केट थी और ज़्यादा मार्केट तो शायद बंद हो गई थी क्योंकि मेरे को आते आते रात में बहुत ही लाइक लेट नाइट हो गया था। तो हाँ, लेकिन दर्शन जो करना था वो करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भूख भी लग गई थी तो मंदिर से जब वापस आ रही थी तो उनका कुछ कर्ड राइस और एक कुछ था तो मैंने वो दोनों लेकर के खाया। और फिर उसके बाद मैं बाहर आई, फिर मैंने चाय वाय पिया। और सच में मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगी, इफ़ यू आर गेटिंग टाइम टू कम हेयर प्लीज़ डू कम, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और सच बताऊँ तो लाइक कई बार ना मुझे क्या होता है, यहाँ की बात भी नहीं, मतलब नहीं समझ में आता लोग क्या बोल रहे हैं, स्टिल आई ट्राई कि लाइक मैं बात करूँ लोगों से, एटलीस्ट उनका कल्चर जानूँ। हाँ, कभी कभी थोड़ी थोड़ी बात हो भी जाती है। और पता है सबसे अच्छी बात आज की क्या हुई कि यहाँ पर मुझे मिल गए गोलगप्पे ऑल ऑफ सडन। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं गोलगप्पे खाऊंगी या फिर मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या ना, गोलगप्पे लाइक अगर होते भी हैं तो आपको ना मतलब ऐसा होगा कहीं पे एग रखा होगा कहीं पे कुछ, तो आई एम लाइक वेजिटेरियन तो मैं नहीं खा पाती जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और ये शॉप मुझे ऐसे मिली जो पूरा वेजिटेरियन था और सिर्फ गोलगप्पे थे। और गोलगप्पे यहाँ पर बहुत अलग तरीके से मिल रहे थे एंड इट्स लाइक कि आपको पानी अलग गोलगप्पे अलग मिलेंगे। तो ये मेरे लिए पहली बार था जो मैं इसको एक्सप्लोर कर रही थी, बट गुड एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस इन लाइफ। और फिर इसके बाद मैंने इनसे पूछा कि और क्या है इनके पास, मैंने लोगों को देखा कुछ खाते हुए कटोरी में दे रहे थे खाते हुए, तो मैंने कहा मुझे ना ये भी बना के दो। तो इन्होंने ये बहुत डिफरेंट सा कुछ बना के दिया था, हमारे नॉर्थ साइड में ऐसा नहीं मिलता है, कुछ तो डिफरेंट था, मतलब ऐसा चाट पापड़ी जैसा नहीं बोलेंगे, कुछ तो था अलग। मैं पूछ भी रही थी कि आप इससे क्या बनाते, तो उन्होंने बोला यही जो आपको दिया मैं यही बनाता हूँ। और फिर मैंने खाया, बहुत टेस्टी था। पहली बार साउथ इंडियन कैब में बॉलीवुड सॉन्ग, मज़ा ही आ गया सच में। हे पीपल, अभी मैं वापस आई दर्शन करके और बहुत अच्छा लगा। और आज पता है मैंने गोलगप्पे खाए और दैट वाज द बेस्ट पार्ट, साउथ इंडिया में और सिर्फ वेजिटेरियन वहाँ पर हो गोलगप्पे मिल जाए, सच में इट वाज सेटिस्फाइंग, टेस्टी भी था, बहुत अच्छा था। और अभी यहाँ पे जैसे ही मैं आई, जब मैं यहाँ से गई थी तो कैब का 380 रुपीज़ पड़ा था, जब मैं वापस आई तो इट वॉज 1041 रुपीज़। तो मैंने कहा इतना तो मैं नहीं दे रही, ऑब्वियस है इतना महंगा कैसे हो गया, रूट तो वही है हमारा। तो फिर उसने बोला कि रेड टैक्सी कुछ प्रॉब्लम है, सो ही विल चेक एंड लेट अस नो। तो आई सेड ओके, जस्ट चेक इट आउट, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू पे यू मोर देन 400। तो देन ही चेक आउट एंड आई सेड या ओके, यू ओनली हैव टू पे 425 रुपीज़। देन आई सेड ओके ओके, अदरवाइज तो आज 1000 रुपये देने पड़ते मेरे को, हालांकि मैं देती तो ना। एक तो पता है लैंग्वेज बैरियर होता है, तो आई गेस इट्स लाइक कि व्हाट दे आर टॉकिंग टू अदर पर्सन एंड व्हाट दे आर सेइंग, लाइक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इवन व्हाट आई एम सेइंग ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, सो ये भी प्रॉब्लम होता है। पर फिलहाल दर्शन करके तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग को जब भी टाइम लगे प्लीज़ रंगनाथ स्वामी आके दर्शन करो, सच में बहुत अच्छा लगता है। सो
पीपल, होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑलरेडी 10:30-11 बज चुका था, तो मैंने सोचा कि अब मैं सो जाती हूँ क्योंकि खाना मैंने खा ही लिया था पहले भी। अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ यहाँ से, तो अब मैं जाऊँगी सोने। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं नाइट स्किन केयर रूटीन कर लूँ और मैं आपको बाय बाय बोल दूँ। और मैं ये भी बोलना चाहती थी कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो प्लीज़ मेरे को बताना कि मेरे व्लॉग कैसे बन रहे हैं, बिकॉज़ अभी तो ऑब्वियसली आई एम लर्निंग टू मेक अ व्लॉग। एंड और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरे को बताओ, प्लीज़ मेरे साथ जुड़ो और लाइक लेट मी नो कि और क्या चीज़ें मैं सही कर सकती हूँ। और बाय द वे ये वही सीरम है जिसके बारे में मैंने बात की थी, जो डॉक्टर ने दिया था, एंड इट्स रियली गुड। वैसे कोई भी लोग ऐसे मत ले लेना मेरे को देख के, क्योंकि लाइक ये एक प्रिस्क्रिप्टिव स्किन के लिए है। तो अगर आपकी भी स्किन मेरी जैसी है, कभी कभी पिंपल्स हो जाते हैं, ऑयली है, अगर ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है तो लेना, अदरवाइज मत लेना, डॉक्टर को कंसर्न कर लेना तभी लेना, क्योंकि सबकी स्किन का टाइप अलग अलग होता है। तो आई वुड नॉट से कि आप मेरा देख के ले लो, है ना। और मैं ये कह रही थी कि अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। और आप लोग कब प्लान कर रहे हो साउथ इंडिया आके ट्रिप यहाँ पे दर्शन करने की, आप मेरे को वो भी बताना, ठीक है। तो चलो मैं अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन ख़त्म करती हूँ और ठीक है, मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।